आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण में अचानक आग लग गई, तो आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया। इस हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने की किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। वहीं बताया जा रहा है कि आग बुझाने के बाद ही साफ हो पाएगा कि किस तरह के और कितने रिकॉर्ड इस आगजनी में जलकर राख हो गए। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तो कुछ बच्चों में पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा बोझ दिखाई देता है। इसकी एक वानगी देखने को मिली गाजियाबाद में, जहां एक नाबालिग छात्र महज इसलिए नदी में कूद गया क्योंकि उसके परिजन उस पर पढ़ने का दबाव बना रहे थे। इस घटना के बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस मौके पर पहुंच गोताखोर और NDRF की सहायता से छात्र की तलाश में लग गई। कुशीनगर के रामपुर सैराना गांव में ग्रामीणों का गुस्सा तब भड़क उठा जब गांव में अवैध रूप से जहरीली शराब बनाने का सिलसिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी नहीं रुका, जिसके कारण शराबियों द्वारा आए दिन महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ होने की शिकायतें बढ़ती जा रही थी, जिससे तंग आकर ग्रामीणों ने खुद ही शराब भट्टी पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। तो सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची 100 नंबर की पुलिस मौके की स्थिति देख उल्टे पांव वापस चली गई। मेरठ में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी, साथ ही घटना छिपाने के लिए मृतक के शव को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। वहीं इस हत्या की पूरी वारदात को मृतक के बेटे ने छिपकर देख लिया और इसकी जानकारी अपने नाना नानी को दी, तो सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद हत्या के आरोपी पत्नी और प्रेमी सहित गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में पुलिस ने अंतरजनपदीय 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। तीनों लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटी हुई रकम, सोने की चेन और तमंचे भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि 2 दिन पूर्व एक वारदात के दौरान उन्होंने लूट के विरोध में एक महिला को गोली मार दी थी। मामले का खुलासा करते हुए SP ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों ने लूट की 1 दर्जन से अधिक वारदातें करने को कबूल किया है। मेरठ में पिछले माह हुई 7 महीने के मासूम बच्चे की मौत के बाद उसके शव को पुलिस और प्रशासन की टीम ने कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत बच्चे के पिता का आरोप है कि उसकी पत्नी शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने मायके में रहने लगी थी, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके 7 महीने बाद अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो अब पीड़ित पिता कानूनी प्रक्रिया अपनाकर अपने मृत बेटे के शव को निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। मऊ के बेसिक शिक्षा कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शिक्षक ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक को बचाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए शिक्षक का आरोप है कि वह एक प्राथमिक विद्यालय में पिछले 9 साल से पढ़ाता है, लेकिन 9 साल में उसे एक बार भी वेतन नहीं मिला। साथ ही इस मामले को लेकर कई बार सरकार और जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण ही उसने यह कदम उठाया। हाथरस के मोहल्ला कस्साबांध में घर के सामने बैठने को मना करने पर 2 परिवारों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद यह विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें एक परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दूसरे परिवार पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया। मैनपुर के ग्राम सहनपुर में एक मुर्गे को लेकर हुए विवाद के बाद चचेरे भाई ने गणासे से हमला कर अपने ही भाई की हत्या कर दी। साथ ही घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। सीतापुर में अनुदेशकों ने 6 माह से रिन्यूअल ना होने के कारण वेतन ना मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए BSA कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान लगभग 1000 अनुदेशकों ने कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं अनुदेशकों का गुस्सा देखते हुए BSA ने उनसे वार्ता कर उन्हें आश्वासन दिलाया कि शीघ्र ही उनका रिन्यूअल हो जाएगा। बुलंदशहर के राजापुर गांव में खेत में शौच करने गई 10वीं कक्षा की छात्र के साथ दबंग ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित छात्रा पूरी रात खेत में बेहोश पड़ी रही और उसके घर वाले उसे ढूंढते रहे। वहीं सुबह गांव के एक युवक ने जब खेत में बेहोश छात्रा को देखा तो इसकी जानकारी परिजनों को दी, तो मामला पुलिस के पास पहुंचने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बदायूं के बिनाबर कस्बे में तहिरे भाई ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार होने की कोशिश की, तो बच्ची के परिजनों ने बच्ची की हालत देख मामले को समझ उसे पकड़ लिया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
नोएडा के नया बास गांव में एक अधेड़ व्यक्ति के घर उससे मिलने आई युवती का उसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद व्यक्ति ने धारदार हथियार से युवती पर कई बार करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती की हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज।